नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आदित्य वर्सेस दिव्या में। और आज हमारे साथ आए हुए हैं एक छोटे बाबू, ये भी एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में, ये कहाँ से आए हैं और हमारे पास आए हैं किसी काम के रिलेटेड, तो बात करते हैं इनसे। सो कहाँ से आए हुए हैं आप? हम तो अभी बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से आप आए हैं हमसे मिलने के लिए। हाँ, क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार, अच्छा, गोविंद जी। पूरा नाम आपका? गोविंद कुमार पांडे। हाँ अच्छा, पांडे जी हैं आप, तो इनका नाम गोविंद कुमार पांडे जी हैं और ये बिहार से मिलने के लिए आए हुए हैं हमसे। अच्छा, किस लिए आए हैं, क्या काम है आपको? कि मेरा चैनल है एक, लेकिन उस पे व्यू नहीं जा रहा है। कौन सा, किस टाइप का चैनल? मतलब कि फूड ब्लॉगिंग टाइप का अच्छा, है। यूट्यूब पे भी आप काम करते हैं? हाँ अच्छा, यूट्यूब पे ये काम करते हैं, इनका एक चैनल है फूड ब्लॉगिंग करके, है हाँ ना? अच्छा हाँ, तो बताइए। मतलब उसमें व्यू पहले जा रहा था, सही था, व्यू जा रहा था, सब सही चल रहा था। अच्छा फिर अचानक इधर 2-3 दिन पहले मेरा चैनल थोड़ा व्यू नहीं जा रहा है। हाँ, अच्छा व्यूज नहीं जा रहा है। आप अपने चैनल पे कब से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गया। 2 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, कितना सब्सक्राइबर है आपके चैनल पे? 1700। तो आप सब देखिए दोस्तों, इनके चैनल पे 1700 सब्सक्राइबर है, फूड ब्लॉगिंग करके इनका चैनल है, और ये 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं और इनका व्यूज नहीं जा रहा था। तो आपको हमारे बारे में पता कैसे चला कि आप हमारे पास आए हुए? काफी टाइम से आप बात भी कर रहे थे मेरे से, कमेंट भी आपने हमारे वीडियो से बहुत सारा किया कि भैया हमें आपसे मिलना है, कुछ काम है, मैं भी यूट्यूब पर काम करता हूँ। मैंने आपकी कमेंट सारी पढ़ी हैं, तो मतलब कैसे, मतलब पहले हम एक बार हम YouTube खोले थे तो हाँ शॉर्ट देख रहे थे, तो शॉर्ट फिल्म में आपका वीडियो आया था। अच्छा तो उसमें आपने बोला था कि मतलब किसी भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो YouTube से तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करिए, हम कमेंट पढ़ेंगे। तो आप पढ़े थे और हमसे अपना नंबर भी दिए थे, हमसे बात हुआ आपसे, तो आप बोले कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिर कितने दिन के बाद हम फिर जब ज़्यादा आपको परेशान किए तब आप हमारे कॉल उठा कर हमसे बात किए, फिर बोले कि आ जाओ। दोस्तों, एक्चुअली मैंने भी इनका वीडियो देखा है, देखा था। बहुत मतलब ये जो वीडियो इस टाइप का बनाते थे ना कि मेरे आंख से भी आंसू आ जाए। एक्चुअली इनका मैंने वीडियो देखा, ये मतलब मिर्ची, जो मिर्ची होता है ना, ये मिर्ची खाते थे, मतलब उसमें मैंने देखा है, हरी मिर्च लाल मिर्च खाते थे वीडियो में। हाँ, तो मैंने देखा और मैंने बोला कि चलो ठीक है। इन्होंने कमेंट किया था, मैंने बातचीत किया, काफी टाइम तक बोलते रहा और मैं उनको समझाते भी रहा कि ठीक है, आप वहां से भी काम कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी बताया, लेकिन बोला कि नहीं, मुझे भैया मिलना है, आपका स्टूडियो देखना है, आपसे बात करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज ये हमारे पास आए हुए हैं। तो 2 साल से आप उस पर काम कर रहे हैं, है ना, और आपका चैनल अब ग्रो नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं जा रहा है। तो आप अपने कंटेंट को मतलब और क्यों नहीं अच्छा करते हैं? मैंने तो आपका वीडियो देखा है कि आप उसमें फूड, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वालिटी की जरूरत है। तो मतलब अभी मेरे पास मोबाइल सही नहीं है अच्छा और अकेले होते हैं तो थोड़ा बनाने में वीडियो दिक्कत होता है। अच्छा तो देखो भाई, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप जैसा काम कर रहे हैं करते रहिए। हाँ YouTube देखो ऑडियंस पे चलता है, लोग कहते हैं सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट, नहीं, YouTube ऑडियंस पे चलता है। सबसे पहला होता है कि ऑडियंस को आपकी वीडियोस अच्छी लगती है कि नहीं, क्योंकि जब तक आपकी वीडियोस लोगों को अच्छी लगेगी नहीं, तो लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको लाइक नहीं करेंगे, आपको कमेंट नहीं करेंगे। और आपके वीडियो में कुछ ऐसा है और लोगों को वो अट्रैक्टिव लगता है, तो लोग 100% आपको लाइक भी करेंगे और आपसे कमेंट करके बात भी करेंगे। लाइक जैसे कि मैंने वो वीडियो बनाया था, आपने देखा, आपने कमेंट भी किया क्योंकि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हाँ और आपने उसके जरिए मेरे से बात करने की कोशिश की। तो यही तो कनेक्शन होता है यूट्यूब का, यूट्यूब यही चीज तो करता है, हमारी ऑडियंस बनाता है। और आप तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जरूर आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा, पूरा किया। क्या है ना? हाँ तो यही चीज है, मैं आपको यही चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप अपने ऑडियंस को समझो, आप अपने ऑडियंस को ऐसा मौका दो कि वो आपसे क्वेश्चन करे, समझे, हाँ कमेंट करे। जब आपके पास वो चीज बनेगा, तब ऑटोमेटिक ही आपका चैनल ग्रो होगा, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम भी है वो इसी तरीके से काम करता है। अगर आपके वीडियोस पे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं या ढेर सारे लाइक आ रहे हैं, तो यूट्यूब को क्या लगता है कि आपके वीडियोस लोगों तक पहुंचाने वाली चीजें हैं, तो उसका इंप्रेशन बढ़ा देती है यूट्यूब। और जब उसका इंप्रेशन बढ़ाती है, तो चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। लोग जिन्हें सब्सक्राइब आपको करना है वो सब्सक्राइब करेंगे, जिन्हें नहीं भी करना होगा, आपकी बातें उन्हें अच्छी लगेंगी, तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे, समझे। हाँ तो 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र भी बहुत कम है,
आप लगे रहिए कंटिन्यूटी, इसी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है, और हिम्मत कभी हारना नहीं है भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल 10-10 साल से यूट्यूब पे लगे हुए हैं और यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर गेन करना चाह रहे हैं, एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा ये सिंगल प्ले बटन, ये सबों का सपना है, ये सबों का सपना है पाना, और लोग लगे हुए हैं उस चीज। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, आप बिहार से आए हुए हैं हमारे पास में और अपना बड़ा भाई समझ के ही आए हुए हैं यहाँ पे, ये चीज तो मेरे को समझ में आ गया है। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, पूरा मदद करूंगा मैं आपका, ठीक है? ठीक है, अब मैं जैसा बताता हूँ वैसा करना, ठीक है? ठीक है, आप अपने यूट्यूब पे कंटिन्यूटी वीडियो डालिए 90 दिन तक। दूसरा चीज, आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपके पास मोबाइल नहीं है, डजंट नॉट मैटर, आपके फ्रेंड के पास होगा, आपके भाई के पास होगा, मम्मी के पास, फैमिली में किसी ना किसी के पास होगा, आप उनसे फोन ले लीजिए या बोल दीजिए भैया मेरा ऐसा करना है, ये शूट करना है, एक वीडियो बस शूट करके आप मेरे को दे दीजिए, बाकी काम करो। एडिटिंग क्या आप खुद करते हैं? हाँ। देखिए तो एडिटिंग जब आपको खुद ही आता है, कौन सा एप्लीकेशन से करते हैं? BN हो गया, यूकट हो गया, या फिर काइनमास्टर। तो गाइज इनको पूरा नॉलेज है, समझ है, एडिटिंग भी करते हैं, फिर भी ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे इनका यही कारण है कि फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर है, इनके पास मोबाइल नहीं है ताकि ये बेस्ट क्वालिटी दे सकें, और कैमराज नहीं है, माइक का भी आपको मेरे ख्याल से इशू होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी आपको काम चलाना है, जब तक कि आप यूट्यूब से पहली सैलरी ना ले लें। यूट्यूब एक जॉब है, उसको आप जॉब समझ के काम करिए, आप ग्रो करेंगे 100%। यूट्यूब एक प्रोफेशनल लाइन है, प्रोफेशनल चीज है, तो उस पर आप जितना बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ना, आपको लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे 100%। तो मेरा यही कहना था कि आप जिसके पास भी, आपके फ्रेंड सर्कल में हो चाहे कोई भी हो, बोलो भाई मेरे को 2 वीडियो बनाना है, 3 वीडियो बनाना है, जाइए जाके बना लीजिए और बना के अपने फोन में ले लीजिए। आप जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है एडिट करना, अपना एडिट करिए और उसको पोस्ट करिए। 90 दिन तक ये काम कंटिन्यूटी करना है, ठीक है? हाँ। और अब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपके लिए इतना करूंगा कि आप जो वीडियोज बनाओगे उस वीडियोज को मैं प्रमोट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है? क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो, आप जुड़े मेरे साथ, मुझे अच्छा लगा। और मैं यही कहूंगा कि आप 90 दिन तक कंटिन्यूटी काम करिए नॉन स्टॉप, ठीक है? हाँ। और जब आप वीडियो डालते हैं तो आप उन वीडियो को मैच करिए कि आपका वीडियो किस टाइम पे अच्छे रिस्पांस दे रहा है, मतलब व्यूज किस टाइम पे आ रहा है, और उस टाइम को कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ। ओके, नोट कर लीजिए। हाँ। वो कोई भी टाइमिंग हो सकता है, ठीक है? उसको नोट करिए। जब आप कंटिन्यूटी 90 दिन तक ये काम करेंगे तो उतने दिनों में तुम्हें कहीं ना कहीं एक दो जगह तो दिख जाएगा कि भाई मैंने ये वीडियो डाला तो मतलब यहाँ पे मेरा व्यूज अच्छा आया है। तो उस टाइम को फट से नोट कर लेना, या वीडियो को जाओगे, वीडियो को जब वीडियो पोस्ट करते हैं ना वहां पे लिखा रहता है YT में, YT स्टूडियो। हाँ, YT स्टूडियो में लिखा रहता है कि आपने कितने बच्चे कितने मिनट पे ये वीडियो पोस्ट किया था। हाँ। तो आपका उस पे इतना व्यूज गया, क्या गया, क्या गया, सब लिखा रहता है। तो आप वहां से भी जाकर, अगर आपको ध्यान नहीं, आपने अपलोड कर दिया 2-3 घंटे के बाद आपको दिख रहा है व्यूज फिर ज्यादा है, तो वहां से YT से भी जाके आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं कि मैंने कब इसको पोस्ट किया था। हाँ। किस तारीख में, कितने बच्चे, कितने मिनट, कितने सेकंड पे किया था, लाइक वो आप नोट कर लीजिए। करने के बाद आप उसी टाइम को पकड़ लीजिए और उसी टाइम पे आप हमेशा कंटिन्यूटी वीडियो डालिए 90 दिन तक, ठीक है? और जब जब आप वीडियो डालिएगा मुझे मैसेज करिएगा, अभी मैंने वीडियो डाल दिया पोस्ट, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, ठीक है? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100% गारंटी कोई नहीं देगा YouTube पे। YouTube पे आपको लाखों वीडियोस मिल जाएगी। हाँ। लेकिन इस चीज का दावा कोई नहीं देगा, मैं आपको 100% दावा दूंगा 100% कि अगर आप 90 दिन तक इस चीज को फॉलो करते हैं आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो लिस्ट में आ जाएगा। बकायदा आपका उस पर कंटेंट ऐसा होना चाहिए लोग उससे इंप्रेसिव हों, आपका कंटेंट उनको अच्छा लगे, तो आप को कोई नहीं रोक सकता है। ओके ओके, डाउट क्लियर? डाउट। और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं? नहीं, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सो गाइस, तो अब हम अपने बात को यहीं पे विराम देते हैं, और अगर कुछ शब्द कहना चाहते हैं तो गोविंद जी कुछ बोलेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हम आपके दर्शकों को यह कहना चाहते हैं कि मेरे भैया, एक तरफ मेरे भैया है, आप समझिए मेरे भैया है, जब इनका फर्स्ट टाइम मैंने चैनल देखा था ना, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इनका इतना सब्सक्राइबर है,
जब मैंने ये जो आप पीछे देख सकते हैं वाइट यूट्यूब की तरफ से आया है, इसे मैंने देखा था तो मैंने मैसेज किया था यूट्यूब के माध्यम से ही कि भैया ये कब आया। तो इन्होंने बोला कि आ गया, बहुत टाइम हो गया, हमको नहीं मालूम था। लेकिन जब ये हमें दिखाए ना तो हमें समझिए कि मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था ना कि एक तरह से यूट्यूबर भी हैं, जिनसे हम बात करते करते आज हम यहाँ पर आ चुके। और यहाँ पर अभी हम इनका लोकेशन लेकर के यहाँ पर आए हैं, जस्ट अभी आ रहे हैं आधा हाँ घंटा पहले। ये उतरे थे तो इन्होंने बोला कि भैया हम आ चुके हैं, आप अपना लोकेशन दीजिए। तो मैंने इनको अपना लोकेशन दिया, देन ये फिर हमारे पास आए। ये बात सच है। और कुछ? और कुछ नहीं, अच्छा, तो गाइस ठीक है, जुड़े रहिए इसी तरीके से आप हमारे साथ। अगर आप सबको कोई इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके कोई मित्र दोस्त जो YouTube पे काम कर रहे हैं, काफी समय से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए और बताइए कि हाँ हम हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।